ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम व प्रधानमंत्री रोजगार योजना सहित अन्य योजनाएं संचालित कर बेरोजगारों को 25 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा दी जा रही है, जिसमें कई योजनाओं में 5 साल तक ब्याज भी माफ किया गया है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के परिक्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर मंडल एनवी मौर्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के परिक्षेत्रीय अधिकारी एनपी मौर्य ने बताया, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना नाम से योजना संचालित की गई है। इस योजना में जो है बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई स्वरोजगार करना चाहे तो इस योजना में वो लाभ ले सकता है। इसमें मुख्य रूप से बैंक से ऋण प्राप्त होने पर 5 वर्षों तक राज्य सरकार की तरफ से ब्याज की सुविधा उद्यमी को दी जाती है। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा एक योजना भारत सरकार द्वारा जो संचालित है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से, उसमें भी जो है बैंक के माध्यम से ही ऋण सहायता दिलाई जाती है। इसमें 25 लाख रुपए तक की अधिकतम परियोजनाएं ली जाती हैं। सुविधा यह भारत सरकार की तरफ से यह दी जाती है कि बैंक से ऋण प्राप्त होने पर जो प्रोजेक्ट कास्ट होता है उसका आरक्षित पुरुष वर्ग अगर सामान्य वर्ग का है तो उसको जो है 25% की एक मुफ्त अनुदान भारत सरकार से मिल जाता है और महिलाओं सहित अन्य आरक्षित वर्ग के जितने भी लाभार्थी होते हैं उनको जो है एक मुफ्त 35% अनुदान भारत सरकार देती है। इसके अलावा PMEGP योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भी 3 वर्षों तक ब्याज की सुविधा अलग से उपलब्ध करा रही है, जो अभी पिछले 2 साल से इसको लागू किया गया है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी बेरोजगार नवयुवक नवयुवती या हमारे परंपरागत कारीगर या जो भी प्रशिक्षित युवा वर्ग है अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो 25 लाख रुपए के अंतर्गत बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो लगाए जा सकते हैं और उसमें भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो दोनों योजनाएं हमने बताई हैं इसमें वो बैंक से आर्थिक सहायता ले करके और अपना अच्छा आर्थिक स्थिति बना सकता है और उद्योग स्थापना करते हुए और भी लोगों को जितनी बेरोजगारी हम लोगों के सामने है प्रदेश में उन्हें भी जो है अपने इकाई के साथ जोड़ करके और दूसरे को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, इसके लिए जागरूकता अभियान हम लोग गांव में कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 कार्यक्रम किया है, एक गगहा ब्लॉक में किया गया था और दूसरा जो है कैंपियरगंज ब्लॉक में गाँव लिए थे। अभी तीसरा हम परसों 15 तारीख को जो है भटहट ब्लॉक में करने जा रहे हैं। इसी तरह से कुल 7-8 कार्यक्रम विभाग द्वारा कराए जाने हैं ताकि गांव के लोगों को जानकारी हो और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हम विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसमें जो है आर्थिक सहायता बैंक से लेकर के अपना उद्योग स्थापना करें, स्वरोजगार पैदा करें।